सूर्य की उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। इस विशेष पर्व के लिए संगम नगरी में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिवाली के बाजारों के बाद अब छठ के बाजारों में रौनक है। सूप टोकरी से लेकर फलों तक की दुकानों में खरीदारी का सिलसिला तेज हो गया है, लेकिन बाजार में लगी महंगाई की आग ने दुकानदारों से लेकर पूजा सामग्री खरीदने वालों का दिवाला निकाल दिया है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री महंगी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। बाजारों में छठ की सामग्री खरीदने आई महिलाओं का कहना है कि वो इस बार छठी मैया से महंगाई कम करने के लिए भी प्रार्थना करेंगी कि जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ी है उस पर विराम लगाएं। अच्छा, महंगाई बहुत ज्यादा है तो क्या छठी मैया से क्या आप लोग की मांग रहेगी इस बार की पूजा में? मांग तो यही रहेगी कि महंगाई जो है कम करें, ताकि पूरी जनता जो देखिए जो अमीर है सक्षम है वो तो खरीद सकते हैं, लेकिन भाई जो साधारण प्रकृति के लोग वो बहुत परेशान होते हैं। इसलिए जो है छठ जो है मोदी जी सबके लिए भला करें, महंगाई कम करें। उधर दुकानदारों की बात माने तो उनका कहना है कि 2 सालों के कोरोना काल के बाद इस बार महिलाओं ने जमकर खरीदारी की है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले साल के मुताबिक इस बार छठ से जुड़े सामान के दामों में काफी इजाफा हुआ है। हर त्योहार अच्छा हुआ, दीपावली भी अच्छा हुआ है, कोई सा त्योहार खराब भी नहीं गया है। बहुत फायदा भी हो रहा है, मिल भी रहा है 2 पैसे बस। अच्छा, थोड़े तो जो महंगे जो सामान है थोड़े जो बिक रहे हैं वो महंगाई की वजह बिक रहे हैं? ये महंगाई की वजह से तो आदमी बहुत कम आते हैं लेने, महंगा तो है ही है। अभी तो पानी उल्टा सीधा गिर गया, ये सब बना ही नहीं पाए, वो यही सब जो डलिया भाव की बना नहीं पाए, बास उसका पानी दूर नहीं गिर गया तो उल्टा सीधा पानी गिर गया था, कोई बना ही नहीं पाया, इसी कारण जरा से इसका बाजार टाइट है, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, ले जा रहे लोग। बता दें कि भारत के पूर्वांचल क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है, जिसका समापन 31 अक्टूबर के दिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।